पुलिस ने 6 बाइक सहित पकड़े 2 बाइक चोर और साथियों ने 2 और चोरियों का खुलासा किया है। जहां उत्तर प्रदेश के नवाबगंज पुलिस ने नजदीकी गामा बसरी वासी 2 साथी चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से 6 चोरी की बाइकें और एक मोबाइल व गांव से चोरी किए गए कुछ गहने सहित इनकी गिरफ्तारी करी गई है। पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी चमन सिंह चावड़ा व कोतवाल राजू कुमार सिंह ने बताया कि गत दिनों नगर परिषद की मार्केट में दानिश मोबाइल सेंटर का मोबाइल चोरी हो गया था। सीसीटीवी में चोरों की पहचान करने के बाद पुलिस ने इनकी तलाशी में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना पर चौकी इंचार्ज राजकुमार व उप निरीक्षक सचिन कुमार शर्मा व कांस्टेबल पंकज त्यागी, जावेद प्रशांत व अश्वनी कुमार की टीम ने बीती रात 9 बजे के लगभग नगर से मात्र 1 किलोमीटर दूर बिजमाऊ मार्ग से बथरीवासी वेगरजा समेसा के पुत्र विनोद उर्फ प्रदीप व हीरीलाल मोरिया के पुत्र प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो नगर पालिका मार्केट में चोरी किए गए मोबाइल के साथ ही बथरीवासी ब्रजेश कुमार के घर से चुराई पायलें व कुर्नी बरामद करने के साथ इन दोनों की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइकें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार ये दोनों उत्तरांचल के रुद्रपुर में रहकर बाइकें चोरी की थी और उन्हें घर लाकर खड़ी कर चुके थे और चुपचाप इसको बेचना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं जिला बरेली संवाददाता अखलाक अंसारी की रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। थाना नवाबगंज में कुछ दिन पहले एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, मोबाइल चोरी का। उसी क्रम में जब जानकारी की गई तो मुखबिर द्वारा और सर्विलांस के माध्यम से थाना प्रभारी राजीव और इनकी टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया और इनसे सख्ती से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में इन्होंने काफ़ी घटनाएँ कबूल की हैं। ये नवाबगंज के गाँव बिथरी के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में ये किराए पर रहते थे और यहाँ कस्बे में आते थे, चोरी की और वहाँ पर निकल गए। जब इनसे और सख्ती से पूछताछ की तो इसी पूछताछ में इन्होंने 6 बाइक्स इनसे बरामद हुई हैं, जो इन्होंने विभिन्न स्थानों से चोरी की हैं। अपने गांव में भी इन्होंने चोरी की है, मोबाइल भी इनसे बरामद हुआ है और भी अन्य सामान इनसे बरामद हुआ है। इनसे अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है, इनसे अभी और घटनाओं का खुलासा होगा। क्या कोई पुराना अपराध रिकॉर्ड रहा है इनका? अभी इसकी हम जानकारी करा रहे हैं आसपास के जो जनपद हैं उनसे भी और आसपास के जो थाने हैं उनसे जानकारी करा रहे हैं कि इनका अपराध इतिहास क्या है। क्या यही 2 हैं या और भी हैं कुछ? अभी पूछताछ में और बातें सामने आएंगी कि इनके साथ और कौन कौन साथी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं।